कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। मंगलुरु में घोषणा पत्र जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह घोषणा पत्र लोगों से पूछकर बनाया गया है। राहुल ने कहा कि हमने कर्नाटक के हर जिले में जाकर लोगों की राय ली, हम घोषणा पत्र में किए गए एक एक वादे को पूरा करेंगे। इस मौके पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया और नीरव मोदी के बैंक घोटाले पर भी बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तंज कसते हुए कहा कि वह अपने मन की बात नहीं कह रहे बल्कि लोगों के मन की बात के मुताबिक काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र कुछ ही लोगों और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुताबिक बनेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संत बसवन्ना को मानने का नाटक करती है लेकिन उनके विचारों का पालन नहीं करती। राहुल के साथ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और पार्टी के अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 18 से 23 साल के छात्रों के मुफ्त स्मार्टफोन का वादा और 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, साथ ही हर साल 15 से 20 लाख युवाओं को नौकरी दिए जाने का वादा किया गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक का 6 बार दौरा कर चुके हैं। दिस इज अ मैनिफेस्टो दैट हैज बीन मेड बाय गोइंग टू एवरी सिंगल डिस्ट्रिक्ट, एवरी सिंगल ब्लॉक, एवरी सिंगल कम्युनिटी, every single region of this state. And we have not gone to the people of Karnataka and told them this is what we want to do. We have gone to the people of Karnataka and asked them, what do you want your government to do? So it's a philosophical difference. The Prime Minister likes to tell people his man ki baat. This manifesto contains the man ki baat of the Karnataka people. And my commitment to you and Siddaramaiah ji, Kharge ji and all our leaders on the stage's commitment to you is that like the last time, what we are saying in this manifesto is going to be done. In our last manifesto, almost 95% of things that we said have been done. And the reason is that we believe in the philosophy of Karnataka. We believe in the philosophy of Basavanna, who said, Nudidante Nade. कर्नाटक में सभी 224 सीटों के लिए 12 मई को मतदान होना है और 15 मई को मतगणना होगी। देखना होगा कि कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यह चुनावी घोषणा पत्र मतदाताओं को कितना लुभा पाता है।